असा एक ओवर थ्रो चौकार आला, त्याच्यानंतर योगेश जांभळेने चांगली बॅटिंग केली। इथे ओवर पिच बॉल होता, त्याला भिरकावून दिलाय लॉंग ऑफ सीमा रेषेच्या अगदी जवळ, वन बाउंस ओवर द लाईन, पंचांचा इशारा येईल चौकार। कोण मानकरी होणार आहे या 80 चषकाचा, कोण मानकरी होणार आहे या 80 चषकाचा। कोण इथे चौकार आलाय, चौकाराच्या मदतीने धावसंख्या पोहोचते, ती तब्बल 13 पुन्हा एकदा तयार होत आहेत। रजेश साठी इथे आखू टप्प्याचा बॉल, त्याला कट केलाय पॉइंट, बॅकफुट पॉइंटच्या मधून वेगाने चेंडू जाईल सीमा रेषा पलीकडे, चौकार। जीवाचा जीव लगदी लाचा, दिलदार प्रेमळ स्वभाव सारा, तुम्ही पुत्र हा तो परे गावचा, युवा पुढारी कांदा, योगेश बैक टू द पवेलियन, रजत स्ट्राइक इन पर, इस बार जल्दी गेंद की गहराई तक पहुंचे थे और यहां पर देखिए पूरी तरीके से इस गेंद को स्वीप किया डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग रीजन में, गेंद सीमा पर, 4 रन। रनों के लिए तलाश रही यहां पर सांबली टीम, रजत मुंडे और सिस अविनाश। हाफ ट्रैकर की बॉल, इस गेंद को खेल दिया है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से सीमा पार, 6 रन। चार ओवर की मैच है, चौथा ओवर किसके और पे किसकी गेंदबाज की और से किया जाएगा ये सोचे, लेकिन वी शेप क्रिकेट में जिसको सही जोन माना जाता है, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन के बीच में से गेंद सीमा पार, महंगे ओवर की समाप्ति। इसी के साथ 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद वेतल देव सांबरली टीम की रन संख्या पहुंची है 33, 33 रन 1 विकेट के नुकसान पर। यावे व्यासपीठावरती आपलं सहर्ष स्वागत। रजत मुंडे को रोकना नामुमकिन हो रहा है विच में टीम के गेंदबाजों के लिए, गेंद सीमा पार, 6 रन। तब यहां पर क्रिकेट चलता हुआ, इस बार राउंड द विकेट से गेंदबाजी के लिए तैयार, इस बार भी मौका छूट गया, विकेट कीपर के द्वारा यह हुई गलती और यहां पर मौका मिला, गेंद बिल्कुल सीमा पार, 4 रन। यानी कि आज मात्र पूरा भाग्य का साथ रजत मुंडे को मिलता हुआ, बहुत चांसेस मिले और उस चांसेस का फायदा नहीं उठा पाए विच में टीम के खिलाड़ी, क्या करें गेंदबाज ऐसे हालातों में, गेंद सीमा पार, 4 रन। कितने अंदर तक रोक पाएंगे, जहां पर एक अच्छी रनिंग रणनीति यहाँ पर नजर आती है, यहाँ पर भी गैप बहुत बड़ी है लेकिन गेंद जाएगी, कोई फील्डर मौजूद नहीं, बस देखते रहे विच में टीम के खिलाड़ी, लॉन्ग ऑन और जो स्क्वायर लेग है, बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा अंतर है और उन बीच में से गेंद वन बाउंस ओवर द रोप, 4 रन। यार करण फिर से एक बार बेहतरीन गेंदबाजी, पहली गेंद के ऊपर ये फुल टॉस बॉल हवा में है लेकिन जाएगी स्टैंड में, कॉमेंट्री बॉक्स सीमा रेखा के नजदीक, 6 रन। थैंक यू डीजे, बिल्कुल केपीएल के फॉर्म को पर 56 रन अब तक, 56। ऑफ कटर की ये बॉल थी, इस गेंद को ऑन साइड में ढकेल दिया, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है, आए थे गेंद के नीचे आशिकेश और अविनाश, उनके पास से दूर, गेंद वन माउंस ओवर द रोप, 4 रन। ओवर द विकेट से करण तैयार, लीजिए अपना अनोखा अंदाज सादर करते हुए मिस्टर कंसिस्टेंट रजत मुंडे के लिए जोरदार तालियां, 50 कंप्लीट, बल्ला उठाकर अभिवादन स्वीकार है रजत दर्शकों का, आगे तेजी के साथ बनता हुआ 66। ये भी छोटी गेंद है, ये भी जाएगी, अब नहीं बख्शेंगे, गेंद बिल्कुल सीमा रेखा के पार, ह्यूज हिट, सबसे लंबा छक्का, गेंद सीमा पार, 6 रन।
कि बल्लेबाजों को मेहनत करनी पड़ेगी इन रनों को बनाने के लिए। इस बार अच्छी गेंद, यहां पर भी खराब फील्डिंग हुई, सिंगल होना चाहिए था, गेंद सीमा पर, चार रन। और इसी थैंक यू डीजे, इसी चार रनों की मदद से पहले पारी का खेल समाप्त हुआ और टोटल चार ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या पहुंची है टोटल। आज बिल्कुल खुश नहीं होगी टीम वागलीवाड़ा टीम, जिस प्रकार का खराब प्रदर्शन रहा है। इस बार शॉट दमदार क्रैकिंग चाबुक स्ट्रोक, मिस्टर कंसिस्टेंस रजत मुंडे के बल्ले से आता हुआ लॉन्ग ऑफ की रीजन में दंदन आता हुआ चौका। बैट से मैन इन गोल्डन फॉर्म रजत मुंडे के बल्ले से सिक्स रन। क्या है कि ये मैच जल्द से जल्द समाप्त करना है। क्या बात है, विनिंग स्ट्रोक रजत मुंडे कप्तान के बल्ले से आता हुआ, टॉप क्लास कप्तानी, बढ़िया प्रदर्शन। आसान होगा नहीं, इनकी ताकत है पेस बॉलिंग। पहली गेंद, लेकिन रजत मुंडे जैसे बल्लेबाज को फर्क नहीं पड़ता, सेमीफाइनल मैच हो, पहला ओवर हो या पहली गेंद हो, पहली गेंद पर रजत मुंडे ने यहां पर जड़ाया सिक्सर। और जिस प्रकार क्रिस्टोफर हेनरी गेल, लेफ्ट हैंड बैट्समैन, क्रिकेट के जगत में टी20 में शुरुआत करते हैं सिक्सर के साथ, मिस्टर कंसिस्टेंस ने भी उसी प्रकार की शुरुआत की है और अपना कंसिस्टेंस दिखाया मैदान के अंदर एक बार फिर। सामने बॉलर राजेश माद्री, स्लॉग स्वीप करने की कोशिश थी, अंदरूनी किनारा कहीं ना कहीं लगा और कहीं ना कहीं किस्मत का साथ अंदरूनी किनारा रजत मुंडे के फेवर में जाता हुआ। अंपायर का देखना फैसला क्या होता है, यस इट इज बैट से आया एक रन, यहां पर चौका आता हुआ अंदरूनी किनारा लगकर और कहीं ना कहीं किस्मत का चौका रजत मुंडे और वेताल 11 चांबली टीम को मिलती हुई। स्कोर बढ़ता हुआ 15-15। और आज भी वो जज्बा नजर आ रहा रजत मुंडे के अंदर। क्या बात है, हुक किया इस बार गेंद को, हाफ ट्रैकर की गेंद थी रजत मुंडे ने, यहां पर सभी का मन जीता है पूरे जगत में और उनके बल्ले से आता हुआ डीप बैकवर्ड स्वेले की रीजन में इस सेमीफाइनल मैच का एक तड़कता बड़कता सिक्सर, इट इज आउट ऑफ द पार्क। स्कोर बढ़ता हुआ चांबरली का 21 लॉस ऑफ वन। ओहो, एक बार फिर किस्मत का साथ, बाल बाल बचते हुए यहां पर रजत मुंडे, रिक्स में मिला रिवॉर्ड, अंदरूनी किनारा, इनसाइड एज, गेंद जाता हुआ लॉन्ग लेग के रीजन में, एक और चौका। नौ गेंदों में अब तक 25 रन जोड़ा है स्कोर कार्ड में सांबरली टीम ने। रजत मुंडे स्टैंड एंड डिलीवर लॉन्ग ऑफ के रीजन में, इसलिए मैं कहता हूं आज के दौर में सोने का जेवर और रजत मुंडे का तेवर दोनों महंगे होंगे और इस मैच में वही नजर आता हुआ, एक के बाद उनके तरकश में तीर में एक से बढ़कर एक हवाई हमला हमने आज रजत मुंडे के बल्लेबाजी में देखा। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 31। रजत मुंडे ये मैच मात्रे पड़े से खींच कर ले जाएंगे और घसीट के शॉट मारा है ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद को, साइड स्क्रीन के ऊपर से रजत मुंडे ने यहां पर ढकेला 6 रनों के लिए। क्या बैटिंग कर रहे हैं रजत मुंडे, फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट, दिनेश पाटिल सर ने कहा था और ये फॉर्म और क्लास एक ही साथ आपको मैदान के अंदर नजर आता हुआ। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 38-38।